सीबीएसई खो खो नेशनल चैंपियनशिप हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज पांचवें दिन में प्रवेश कर चुकी है। बराबर लीग मैच हो रहे हैं। आज के मुख्य अतिथि के रूप में महंत सागर नाथ जी और उनके साथ उनकी पूरी टीम, मैं तो कहूँगी प्रोफेसर सलूजा जी, साथ में अपने ओपी मुंजाल साहब, भरत सिंह जी प्रिंसिपल, और अनिल जी जो हैं प्रिंसिपल हैं स्कूल के, वे अन्य जो भी पदाधिकारी हैं। यहाँ मंचा सीन है, आप देख रहे हैं, और हम आपको दिखाएंगे कि पांचवें दिन में क्या क्या गतिविधि हुई है और कितने लीग मैचेज हुए हैं। 15 तारीख को इसका समापन होना है। समापन का मतलब है कि भी फाइनल मैचेज 15 तारीख को कमेंस होंगे। और यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि एक पूरा मैच दिखा रहे हैं कि यहाँ टीमें बराबर आ रही हैं मैदान के अंदर, अपनी अपनी बाउट के लिए टीमें आ रही हैं और लीग मैचेस के लिए टीमें आ रही हैं। कोचेज उनको बराबर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। हम जानते हैं ऑब्जर्वर से कि भी उन्होंने 5 दिन के दौरान यानी कि क्या क्या ऑब्जर्व किया है कि विहंगम दृश्य आपको नज़र आ रहा है। आप दूर यानी कि जूम करके आप देखेंगे तो बिल्कुल ये देखिए, डिफरेंट ड्रेसेस के अंदर क्लस्टर जो टीमें फर्स्ट आई थी वो यहाँ चैंपियनशिप नेशनल चैंपियनशिप में, इसमें 91 टीम्स हैं, जिसमें यानी कि 4 कंट्रीज़ की 8 टीमें भी यहाँ आई हैं। ओमान कहूँ मैं, या अबू धाबी कहूँ, या सऊदी अरबिया कहूँ, या दुबई कहूँ, उनकी टीमें भी यहाँ आ चुकी हैं और इनके मैचेज चल रहे हैं। बराबर हम आपको झलकियाँ दिखाएंगे। प्लेग्राउंड में पहुँच गए हैं, यहाँ कोर्ट्स बनी हुई है और 5 दिन तक लगातार यह टूर्नामेंट चल रहा है। 15 तारीख को इसका समापन नेशनल खो खो टूर्नामेंट है। इसमें 91 टीम्स ने यहाँ पार्टिसिपेट्स किया है। क्लस्टर में जो फर्स्ट आई है, 20 क्लस्टर्स की टीम आई है, खो खो 17 अंडर 17 और अंडर 19 गर्ल्स और बॉयज़ की, दोनों सीनियर और जूनियर्स टीम्स हैं। जानते हैं आज के हमारे यानी कि इस फंक्शन के, इस टूर्नामेंट के पांचवें दिन के मुख्य अतिथि सागरनाथ जी से। सागरनाथ जी, आपने तो बड़ी तपस्या की है, बहुत एक आश्रम चलाते हैं, ऐसे जो ग्रामीण आंचल के खेल हैं जो नेशनल लेवल पर खेले जाते हैं, इनकी क्या महत्व है? जी बंसल साहब, बड़ा महत्व होता है। अभी हम यहाँ के स्कूल के जो प्राचार्य हैं अनिल जी से बात कर रहे थे, सुना है कि यहाँ इसहार में फर्स्ट नेशनल गेम बड़ा दरियाई दिल अनिल जी ने दिखाया है खो खो का, जो कि नेशनल गेम हमारी हांसी में हो रहे हैं जी। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है हांसी वालों के लिए, और बधाई देता हूँ मैं ये हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पूरे स्टाफ को और आदरणीय डायरेक्टर साहब मुंशी राम जी को, क्योंकि नेशनल गेम हमारी हांसी में लेकर आए। अनिल जी, आप बराबर यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में लगे हैं और आपने ये होस्ट किया है, पांचवें दिन में अपने परवान को चढ़ गया है ये खेल, यानी कि आज ये लीग मैचेस कितने हो चुके हैं और कब ये सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल होना है? सर, आज सबसे पहले तो मैं हंसी की आवाज़ में आपका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ इस नेशनल खो खो गेम के अंदर हमेशा जुड़े रहते हैं। सर, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप हमें, ये हमारी वर्चुअली ड्यूटी भी है। आप बताइए कि आज हमारा पांचवा दिन है और पांचवें दिन जाकर लीग मैच समाप्त हो जाएगा और कल से क्वार्टर फाइनल स्टार्ट हो जाएगा, और उसमें से एक रिजल्ट निकल के आ जाएगा कि कौन सी टीमें क्वार्टर फाइनल में जाएंगी नहीं जाएंगी। जो नॉकआउट स्टार्ट हो जाएगा, जो क्वार्टर फाइनल में जाएंगी आज शाम तक पता चल जाएगा। ये पॉइंट्स के आधार पे आगे क्वार्टर फाइनल में जाएगी। हमारे साथ मुंजाल साहब हैं, आप जिला बनाओ समिति में भी जुड़े रहे हैं, तो क्या कहना है, खो खो टूर्नामेंट बढ़िया लगता है आपको आज आके यहाँ, कैसा लग रहा है? मेरे को यहाँ आने के बाद इतना अच्छा लगा है कि यहाँ का इंतज़ाम बहुत बढ़िया बना रखा है, क्योंकि बहुत दूर दूर से यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं और उनका इंतज़ाम करना बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो यहाँ के इंचार्ज को और यहाँ के जो संभाल रखा है इस सारी चीज़ों को, बड़ा आसान मानता हूँ इनका, इन्होंने इतना बड़ा अच्छा प्रोग्राम बना रखा है। धन्यवाद साहब। एक हमारे साथ शिक्षाविद हैं सलूजा जी। सलूजा जी बहुत अच्छा बोलते हैं और इनसे बिल्कुल चंद ही मिनटों की बात करेंगे कि आप खेल प्रेमी भी हैं और विभिन्न मंच भी करते हैं, शिक्षाविद भी रहे हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं सलूजा जी, कैसा लग रहा है? मैं हौसी की आवाज़ के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि मेरे जीवन काल में मैं बहुत कम ऐसे अवसर देख पाया हूँ जैसा महाकुंभ खेल का आज देख रहा हूँ, और प्राचार्य अनिल जी को, हिंदू परिवार को मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि ये आयोजित होते रहे, इनकी उपयोगिता बहुत है।
विभिन्न प्रकार के गणवेशों में सजे हुए विद्यार्थी आप बहुत ही गर्व और गौरव प्रदान कर रहे हैं, रोमांच पैदा होता है इन खेलों को देखकर। धन्यवाद साहब, आइए कोर्ट की तरफ लिए चलते हैं आपको, जो एक बहुत रोमांचकारी खेल हो रहा है, कोर्ट की तरफ चलिए। ये देखिए, ये विभिन्न यानी कि ड्रेसेस के अंदर विभिन्न यानी कि ये लड़कियां जो बैठी हैं वार्म अप होने की तैयारी में बैठी हैं। आइए हम आपको कोर्ट की तरफ लिए चलते हैं जहाँ एक खूबसूरत खेल चल रहा है। डायरेक्टर साहब दिखाइएगा कोर्ट में, थोड़ा सा आगे चल के हम इसको कवर कर रहे हैं। ये मैच चल रहा है, तमिलनाडु वर्सेस छत्तीसगढ़ ये मैच चल रहा है। हम दिखा रहे हैं आपको तमिलनाडु वर्सेस, यानी कि तमिलनाडु, हाँ ये लाल जो ड्रेस है ये तमिलनाडु की है और दूसरी है जो छत्तीसगढ़ की है, जो मध्य प्रदेश के साथ प्रदेश लगता हुआ है। किस कदर देखिए मुस्तैदी से ऑफेंडर अपने आप को ऑफेंड कर रहा है और नंबर बचा रहा है कैसे भी, और रेफरशिप रेफरी कर रहे हैं। सर बताइएगा कि वो ये जो आपके पिंक ड्रेस में है, हाँ। तमिलनाडु की टीम है, हाँ। और जो ब्लू है, ब्लू में चल रहा है ये छत्तीसगढ़, ये अच्छा मुकाबला चल रहा है, लीग मैचेस चल रहे हैं, लीग मैचेस चल रहे हैं, ये लीग मैचेस चल रहे हैं छत्तीसगढ़ वर्सेस तमिलनाडु। और ये अब जो छत्तीसगढ़ है जो दूसरे ये चेज कर रहे हैं, ये चेज कर रहे हैं, चेज खो खो के अंदर चेज करना और अपने आप को बचाना, उसको ऑफेंडर कहते हैं अपने आप को बचाना। और ये 7:22 यानी कि 7 मिनट का, फिर 2 मिनट का ब्रेक होता है, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक होता है, फिर 7-7 मिनट के 2 यानी कि पार्ट होते हैं। देखिए किस कदर मुस्तैदी से ये खेल चल रहा है। पता राष्ट्रपति शासन लागू हो गया वहाँ, है ना, ये भी देखते हो। तो महाराष्ट्र आपके कितने लीग मैच हो चुके हैं अभी तक? 4। आप कहाँ पहुँचे हैं? हम चारों जीत गए। चारों जीत गए, यानी कि बिल्कुल दूसरे को नॉकआउट कर दिया आपने, ऐसे क्वार्टर फाइनल में पहुंचे गए? नहीं, अभी 5वीं मैच है, उसके बाद क्वार्टर फाइनल। कितने पॉइंट रेस किए हैं आपने, कितने लिए हैं पॉइंट? पॉइंट्स नहीं मालूम, पॉइंट्स नहीं मालूम है। कैसा लग रहा है हरियाणा में आके, आपको कैसा लग रहा है? महाराष्ट्र शिवाजी यानी कि धरती है वहाँ पे, छत्रपति शिवाजी की, और बॉलीवुड भी है महाराष्ट्र है ना, बॉलीवुड इज देयर, यानी बॉलीवुड देयर महाराष्ट्र है यार। बॉम्बे, यू हेल फ्रॉम पुणे? पुणे, पुणे, अच्छा पुणे में तो एक फिल्म इंडस्ट्री भी है। खेल कैसा लग रहा है खो खो का आपको, कैसा यहाँ हरियाणा में आके आपको खाने की कोई दिक्कत नहीं क्या? नहीं, सब है? बहुत अच्छा है। क्या खाते हो यहाँ, क्या मिलता है यहाँ? सब्जी, मिक्स रोटी। अच्छा, रोटी और मिक्स सब्जी, दाल, चावल, दही, हाँ। जो पुणे में खाते हो मिलता है? हाँ, सब मिलता है। कोई ठहरने की प्रॉब्लम नहीं? कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? दृष्टि। दृष्टि, दृष्टि, दृष्टि मीन्स यानी कि दूर की दृष्टि होना, नजर होना है, नजर ना लगे आप फाइनल में पहुंचे, क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। आपका क्या नाम है? आरती। यार फ्रॉम ऑल्सो महाराष्ट्र है, यहाँ पुणे, पुणे। आप बीवी के साथ हैं? सीनियर में, जूनियर में? अंडर 17, जूनियर में। छोटी सी। क्या नाम है तुम्हारा? जाह्नवी। जाह्नवी इज अ वेरी गुड नेम। यार फ्रॉम ऑल्सो महाराष्ट्र, पुणे। आप बीवी के साथ पहुंचे हैं? चलो आइए। व्हाट्स योर गुड नेम? कौन सर? योर टीम फ्रॉम? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, अच्छा काले मड़ा कम लड़ा का भले ही नहीं जवा का मड़ा कम, मड़ा कम है, मड़ा कम, मड़ा कम, मड़ा कम। हाउ योर टीम इज परफॉर्मिंग यार? गुड सर। यू से गोइंग ऑन अ फोर्थ लीग मैच और फिफ्थ लीग मैच यार? हाउ मेनी यू हैव विन? Three, sir. You are going to play four match.
Is there any problem in food, meal or diet here? No sir. Eh? Lunch apple, no sir. Eh? No sir. You got dosa? No sir. Idli? No sir. No sir. No sir. No sir. No sir. No sir. You require idli dosa? Only one sir. Eh? Only chawal ya? Only rice ya? Eh? Eh? No, no, you are smiling ya? Why you are smiling? Hey, baba, just let us. Sonali Panigra, you are from Tamil Nadu, yeah? Yeah, Andhra Pradesh. Abu Dhabi. Yes. Abu Dhabi is the Gulf country, yeah? Yeah, Gulf country, near Dubai, yeah. Near Dubai, yeah. What's your good name, yeah? Yeah, my name is Shaibi. Shaibi. Yeah. You can be the under 17 or under 19? Under 17 girls and under 19 boys. Under 19 two boys. Groups, yeah. Two groups, yeah. How many league matches you have won? We completed. Three matches. We won one match. Only one match we won. After winning that today match, we have two more matches. Two league matches. Yeah, league matches, two more matches. Today now we have 12 o'clock around. We have one match, then evening 4:30 we have one match. What's your good name? Shaibi. Shaibi. Yes. What's your good name also? My name is Sudhika. Sudhika. You are from India, na? Yeah. You are from India. You are all from India. It's Abu Dhabi. What's your school name? Yeah. Sunrise English Private School. Sunrise English Private International School. Yeah. These girls are from India. Many of them are from India. All are from India. All are from India. Their parents are working there. Her parents are working there. That's why. They came with the team. How you feel here in Haryana, particular in India, the Haryana? Haryana. There is a doodh dahi ka khana. That is very tasty milk we are getting here. Okay. Yes. There is a problem of the. Is there any problem of the diet here or not? Nothing like that. Nothing we like are that. Staying outside in the hotel. Okay. You're outside. We felt good people, innocent people. You feel any uncomfortable here? No, nothing. How people you like here, Haryanvi people? Haryana people are By nature, yeah. They are very innocent. Like Abu Dhabi, yeah. Yeah, like the Abu Dhabi. Abu Dhabi also so many variety nationalities. There is different countries together. You are very familiar with the culture of Haryana? No. Only 4 days experience. Girls, they can speak English here, please. Come with me here. What's your good name, ma'am? Anju, you are residing in Abu Dhabi, yeah? You are studying in Abu Dhabi International School, Sunrise International School, yeah? Your parent is working there, yeah? Basically, you are from India. From Kerala. You are having very fluent in English. Let me know that is there any problem in Haryana in this particular championship regarding your diet or you are hosting again residence and other problems? Yeah? No, at all. How many matches you have been? We had three matches. We have to win one match here. We have to win two more matches to get quarter. After winning that match, you will go in the quarter final or semi final. Yeah. Quarter final. How much you have? What's your good name? You are having specs with you. Is there any problem with you? When you are playing in the Kho-Kho game, yeah, you... I remove specs. You remove your specs, yeah? What's your name? Shriya. Basically, you are from India, na? Yeah. Maharashtra. Shriya is from Maharashtra. Udhav Thackeray is from Maharashtra. Bal Thackeray is headman from the Maharashtra. Yeah. What's your name? Simran. I think you are from Punjab. Yes. Simran. Simran, perhaps we have listened in the movie, Simran. Shah Rukh Khan's movie, Simran. Yes. The Kajol play the role of the Simran. You got your memory. Simran, which district from you are? Jalandhra. Very. Yani ki historical city and very cultural city Jalandhra. How you are feeling here? It's very nice. Uh-huh.
guys. Is there please. Is there any problem in diet? No, 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 no. It's very nice. हम यहाँ हिंदी में बात करो, कोई बात नहीं हिंदी। अरे क्या बात है, क्या बात, अपनी मातृभाषा में बात करने बड़ा आनंद है। तो यू आर फ्रॉम आल्सो अबू धाबी? आई एम फ्रॉम अबू धाबी, लाइक बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम वर्किंग इन अबू धाबी। अबू धाबी इन स्कूल? या आई एम वर्किंग इन स्कूल। वर्ष गुनेर प्रिंस। प्रिंस, आपने यहाँ देखा ये बड़ा एक मिनी ओलंपिक सा हो गया है यहाँ पे, और ये इंटरनेशनली कहूँगा मैं इसको, नेशनल नहीं कहूँगा। तो यहाँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छे लोग हैं यहाँ पे, काफ़ी सारी हॉस्पिटैलिटी कैसी है यहाँ की? दे आर हॉस्पिटेबल और नॉट? या हॉस्पिटैलिटी अच्छी, हॉस्पिटैलिटी अच्छी, बहुत अच्छी है। इन बच्चों के मुताबिक, इनके अनुसार इनको खाना मिलता है, डाइट मिलती है? मैं ट्राई करता हूँ पूरा 100% अपना देता हूँ कि इनको इन हिसाब का खाना मिलता है। फूड हैबिट्स तो कुछ डिफर करती है? हाँ, यहाँ के बच्चों से सर बहुत ज़्यादा डिफर करती है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ब्रदर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। एंड वन सेकंड, आप देख रहे हैं ये तमिलनाडु वर्सेस की है। तमिलनाडु वर्सेस आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वर्सेस आंध्र प्रदेश, दोनों साथ लगती हुई स्टेट हैं, उनका ये मैच चल रहा है। हम जानते हैं छत्तीसगढ़ से आए, नहीं झारखंड से आए हैं, रांची से यहाँ पहुँचे हैं, और सारा दायित्व इनके कंधों पे है। तो आइए इनसे बात करते हैं। ये 7 दिन चलने वाला ये नेशनल खो खो CBSE क्लस्टर गेम आज अपने 5वें दिन परवान पे है, तो कैसा लग रहा है? सर, सबसे पहले मैं तो CBSE को धन्यवाद देता हूँ जो हाँसी से छोटे शहर को चुना, और जो खो खो और कबड्डी ऐसी खेल है, ये गाँवों की खेल है, ग्रामीण क्षेत्र का है, तो ऐसे जगह में आयोजन होने से बच्चों का उत्साह वर्धन होगा और भविष्य में और इस खेल का विकास होगा। दूसरी बात, तो मैं प्रिंसिपल मिस्टर अनिल कुमार जी आज के लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि बड़े बड़े चैनल बड़ी बड़ी बातें करती है जो धरातल पर काम नहीं करती है। जी जी जी। इतना बड़ा टूर्नामेंट जहाँ विदेशों की टीमें भी आई हैं, तो कवरेज के लिए जो आपका चैनल आया है, इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। यही मैसेज जो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों में, उनमें उत्साह वर्धन होगा और इस खेल में और रुचि लेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो बड़ी बड़े चैनल हैं, सिर्फ क्रिकेट है, फुटबॉल है और गेम में आते हैं, इन खेलों के लिए विशेष रूप से ग्रामीण स्तर तक नहीं पहुँचते हैं। जो हमारे एडिटर साहब हैं, ये बहुत यानी कि अपने अच्छे यानी स्टेट लेवल के रेसलर भी रह चुके हैं आगे सैनी जी, इनको भी बधाई दीजिए। मैं आपको विशेष रूप से ध्यान बधाई देता हूँ, अगर आप अच्छे रेसलर रहे हैं तो आप इस दर्द को समझते हैं, हाँ, इसलिए पहुँचे यहाँ पर हैं। और मैं शुभकामना देता हूँ इस चैनल को कि आप भी आगे भी चैनल और विकास करें, और इस तरह से ही खिलाड़ियों के लिए और स्पोर्ट्स के लिए बढ़िया कवरेज देता रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद साहब, धन्यवाद संतोष जी। ये हम यहाँ बिल्कुल खड़े हैं, इनके बिल्कुल मैं के अंदर खड़ा हूँ, ये बहुत खूबसूरत सा एक विहंगम दृश्य देख रहे हैं कि खो खो का टूर्नामेंट हो रहा है, और ये 5वें दिन अपने परवान पे है, और 15 तारीख को फाइनल मैचेज यहाँ होंगे, क्वार्टर फाइनल कल से शुरू हो जाएंगे। हम दिखाएंगे आपको क्वार्टर फाइनल भी, फाइनल भी, यानी रिपोर्ट के साथ बने रहिएगा। लेकिन आपने हमें बहुत मोहब्बत दी, प्यार दिया, स्नेह दिया, हाँसी की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखिएगा अपने मनपसंद कार्यक्रम, खासकर ये खेलों का महाकुंभ जिसे कहते हैं नेशनल खो-खो टूर्नामेंट, शाम को 6 बजे नजर होंगे। धन्यवाद, मैं मेरे सीनियर एडिटर अजय सैनी के साथ राजीव बंसल फिर मिलता हूँ आपको, चले जाते हैं, फिर मिलेंगे खो खो के ग्राउंड में, आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।